हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वापस एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज हमारे पास है एक छोटा अनार एक बड़ा अनार। तो गाइस, आज हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि हम इस अनार की सहायता से आज चाय बनाने वाले हैं। मस्त प्लान है गाइस। हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है छोटा सा, उसमें सारा मटेरियल चाय वाला डाल के उसके नीचे अनार रख देंगे और आग लगा देंगे। देखते हैं फिर क्या होता है, हमारी चाय बनती है या नहीं बनती है, जो भी होगा गाइस आपके सामने होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके का एक जुगाड़ कर लिया, यहाँ पर एक लोहा गाड़ दिया है और उसमें अपना ये मिट्टी का बर्तन हमने फंसा दिया है और इसके अंदर हम पूरा चाय का मटेरियल डालेंगे और देन इसके नीचे अनार रखकर आग लगा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये छोटा वाला अनार जलाएंगे, उसके बाद में ये बड़ा वाला ट्राई करेंगे, क्योंकि छोटे वाले से तो चाय बनने से रही। एक चलते हैं, पहले चाय का मटेरियल डाल देते हैं। तो गाइस, ये आ चुका है हमारा दूध, इतना इस बर्तन के लिए काफ़ी होगा। गाइस, हमारा ये देख सकते हैं आधा हो गया है और इसमें अब थोड़ा सा हम डालेंगे चाय की पत्ती, जो कि पहले से जुगाड़ कर लिया है हमने। ये आ गई चाय की पत्ती और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। इतना काफ़ी होगा, ये चाय में तो चीनी चाय में शुगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस, हमने इसके अंदर सारा मटेरियल डाल दिया और इसके ऊपर एक हम एल्युमिनियम फाइल लगा देंगे, जिससे इसमें धुआं न जाए, चाय का स्वाद हमारा ना बदले। चलते हैं इसमें आग लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, सारा कुछ रेडी है और हम इसमें चलते हैं आग लगाते हैं, देखते हैं हमारी चाय बनती है या नहीं बनती है। अगर गाइस देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, आग लग चुकी है इसमें। अब देखते हैं इसकी एल्युमिनियम फाइल हटा के कि हमारा चाय बन गया या नहीं बन गया। वो भाई साहब, चाय हमारी पूरी हीट हो गई, इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, हमारी चाय बस उबलने वाली थी। हमें लगता है इसमें अब बड़ा वाला एक बार अनार हमको ट्राई करना चाहिए, जिससे हमारी चाय बन सके। भाई, इसी वजह से हमने अपना बड़ा वाला अनार रख दिया है। अब चलते हैं इसमें आग लगाते हैं। पावरफुल अनार था हमारा। वैसा अनार हमारा जो था, देखते हैं हमारी चाय बन गई या नहीं बन गई। एल्युमिनियम फाइल तो हमारी उड़ गई। ओ भाई साहब, गाइस हमको लगता है कि चाय हमारी बन चुकी है पहले से ही। देखते हैं इसमें थोड़ा सा हिला के इसको। ओ भाई साहब, चाय हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। अब इसे टेस्टिंग करने की बारी है। तो गाइस, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, इससे हमारी चाय अच्छी तरीके से बन सके। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी बदल गया है। गाइस, इस बार चाय उबलने वाली है। ओ भाई, गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी चाय एकदम उबल रही है और हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। ओ भाई साहब, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। तो गाइस, हमारी चाय बन गई, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है गाइस। ओ भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी हमारी चाय अच्छी तरीके से उबल रही है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारी चाय अच्छी तरीके से पक सके
और मिलते हैं आपको पकने के बाद 5 minutes later। तो गाइस अब चाय को निकालते हैं एक बर्तन में इसकी टेस्टिंग के लिए, देखते हैं हमारी चाय कैसी बनी हुई है। डलो आप लोग देख सकते हैं देखने में तो लग रहा है कि ये चाय ही है, लेकिन हम इसके बिना छन्नी लगाए ही पी रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। गाइस बाकी सब कुछ परफेक्ट है, थोड़ा चीनी ज्यादा हो गया है बस। तो गाइस मैं आप लोगों को सही बता दूं कि हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमारी चाय बन जाएगी। हमने सोचा क्या था कि हमारा वो मिट्टी का बर्तन जो होगा उसको अनाज छेद कर देगा। गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट निकल गया जो हमने नहीं सोचा था, वो हो गया है। और गाइस इसको पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है चाय को, और इस चाय के लिए तो 1 लाइक बनता है। तो गाइस चलते हैं किसी और टॉपिक की तरफ। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम चलते हैं इसकी चाय पीने के लिए।